बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको टूर करवाती हूँ होम टू होम। होम टू होम कैसे जाते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह ताला आप भी मेरे साथ एंजॉय करेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वेलकम टू माय प्यारी YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये देखिए, हम इस तरह अपने घर से निकले और दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं। ये भी अल्लाह ताला का हुक्म होता है किस घर में कितना टाइम आपने रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है। तो ये सब अल्लाह ताला के करम से हमारे लिखा होता है, डेस्टिनी में होता है और हमें अल्लाह ताला की रजा में राजी रहना होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि ए इंसान, दुनिया में तो इतना ही कुछ जमा कर जितना दुनिया में रहना है और आखरत के लिए इतना ही जमा कर जितना आखरत में रहना है। ये दुनिया की जो जिंदगी है बहुत टेम्परेरी है, बहुत थोड़ी है, और आखरत की यो है, जैसे अल्लाह अनलिमिटेड है, तो अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह ताला ने बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी का, हेवन का वादा कर रखा है। तो अल्लाह की रजा में राजी रहना ही कामयाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना ही असल कामयाबी है। तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस अल्लाह ताला शुक्र करने की तौफीक अदा फरमाए। वो देखो मेरे सामने ड्रीम हाउस है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे घरों में हम रहते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और आप छोटी से छोटी नेमत को भी इंजॉय करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सुर्ख रंग के दस्तरखान पे खाया करो, उससे बेशक आपकी जौ की रोटी हो और सादा पानी भी हो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अच्छा खाना पीना, अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छी सेहत का ख्याल रखना, सारे कुछ का हुक्म दिया है। क्योंकि जो हमारी जिंदगी है वो अल्लाह ताला की इमानत है। ये जो माल, इज्जत, औलाद, घर बार, रिस्क, सब कुछ अल्लाह की इमानत है। जो कुछ हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिससे दूसरों का फायदा होता है वो सारे फिस्मिल्लाह होता है। इसलिए कभी शाय फील ना करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। कम से कम अपने ज़मीर को मतमियन रखें, अपने आप को खुश रखें, सारे बंदे खुद ही खुश हो जाएंगे। फरमान है किसी बुजुर्ग का कि अगर आप अल्लाह के सिवा सभी दुनिया को खुश रखने की कोशिश करेंगे, दुनिया कभी आपसे खुश नहीं होगी। सिर्फ आप अपने आप को खुश रख लो, अपने रब को खुश रख लो, तो इंशाल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। जिसने इतनी प्यारी दुनिया, इतनी खूबसूरत दुनिया, इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया है, तो क्या उसने हमारी किस्मत भी बनाई है? अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें खूबसूरत तरीन शक्ल दी है, सेहत दी है, तो इस तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ईमान सलामत भी रखे। तो ये बहुत बड़ी गिफ्ट है जो किसी चीज़ से बाय नहीं किया जा सकते। मनी इज नथिंग, मनी इज जस्ट एक चीज है घर में इस्तेमाल के लिए, जरूरत के मुताबिक, जिसे आप दे के कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन मनी को अपना स्टैंडर्ड ना बनाए। खुशियां, छोटी से छोटी खुशियां भी आपको बहुत अच्छी लगने लगेंगी जब आप इस मियार से बढ़ जाएंगे। जो बंदा इज्जतदार होता है वो ही दूसरे को इज्जत देता है। जो इंसान खुद बद अखलाक होता है तो वो दूसरे को कैसे अच्छे अखलाक दे सकता है, इज्जत दे सकता है? जो बंदा खुद खुश होता है वो दूसरे को खुशी दे सकता है, और जो खुद परेशान हो तो वो बेचारा परेशान ही बांट सकता है ना। इसलिए अगर आप ख्याल करेंगे कि अब अगर आप किसी की खुशियां बांटेंगे ना, उससे खुशियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, आप भी खुश रहेंगे, आपकी मुश्किलात भी आसान होंगी। और अगर आप किसी के बांट, ये अल्लाह ताला के रहमान रहीम का करम है, अगर किसी के गम बांटेंगे ना तो गम कम होंगे।
वो कहेगा मन ये इंसान मेरे साथ खड़ा है आज है। तो ये दुनिया बहुत ही सेल्फिश है, तो हमने इस सेल्फिश से निकल के सिर्फ अपने रब की रजा के लिए हमने नेकी करनी है। अल्लाह जनता नसीब करे, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि हमें किसकी मदद करनी चाहिए, हर एक के साथ अच्छे से रहना चाहिए, हर एक की मदद करनी चाहिए, या जो जरूरतमंद है उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने उस वक्त मुझे जवाब दिया कि हर एक की मदद करना ही है। तो मैंने कहा हर एक की मदद हम कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं कि जो जज करना है ना कौन जरूरतमंद है और कौन नहीं, ये अल्लाह के हाथ में छोड़ दो, अपने रब की रजा के लिए नेकी करो, भलाई करो, सभी के साथ करो, तो इंशाअल्लाह ताला क्या होगा कि अल्लाह ताला जो दुनिया आखरत के जो आप वो आपकी नीयत दे जानता है, तो वो आपको खुद ही कबूल कर लेगा वो आपकी नेकी। जब हम कभी नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हज पढ़ते करते हैं, तो अक्सर हमने सुना होगा ओ उसको नमाज नहीं पढ़नी आती, इसकी नमाज कबूल नहीं है, ओ बच्चा आगे से गुजर गया उसका हज कबूल नहीं है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? इंसान का सबसे बड़ा फॉल्ट यह है कि ये अल्लाह ताला की जो जस्टिस का काम है ना, खुदाई जो है वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम अपने आप को इम्प्रूव करने के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि हम अपने अखलाक कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे इंसान के साथ कैसे अच्छे रवैये से पेश आ सकते हैं, हमने अपने बच्चों की औलाद की तरबियत कैसे करनी है, हमारे माँ बाप के हक हकूक क्या हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ज़िल कुर्बा हैं, क्लोज रिश्तेदार हैं, उनका हम पर क्या हक है, हमने अपनी ड्यूटियाँ पूरी कर देनी है, अपने फ़र्ज़ पूरे कर देने हैं, तो बाकी जो हमारे फ़र्ज़ ऑटोमेटिकली सारे ही पूरे हो जाएंगे और अल्लाह पूरे करेगा। एक चीज मैंने हमेशा देखी है, कर भला तो हो भला, आपका भला फिर आप किसी के साथ भलाई करते हैं, आपका भला पता कौन करता है? अल्लाह। वो इंसान बेशक जिसके साथ आपने भलाई की हो वो आपके पीछे से आके वार करेगा, आप उसके साथ भलाई करते रहेंगे सारी उम्र और वो कभी आपका वफादार नहीं होगा, आपको बहुत अफसोस होगा, रंज होगा, लेकिन अल्लाह ताला आपकी कोई डीड, कोई अमल, कोई दुआ, कोई भलाई जाया नहीं करेगा। अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह आपके सबब बना देगा आपके भलाई के। कभी एक बुजुर्ग थे तो वो 3 रुपए कमाया करते थे टोपियां सी सी के, टोपियां मस्जिद की नमाज के बुजुर्ग थे अल्लाह ताला के, मुझे याद नाम याद नहीं है, तो वो टोपियां सी के 3 रुपए कमाया करते थे, 1 रुपए का वो खाना खा लेते थे, 1 रुपया वो अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे और 1 रुपया वो कल के लिए रख लेते थे इमरजेंसी के लिए। उसके पास एक बहुत अमीर ताजर आया, बिजनेसमैन आया, कहता मैंने भी अल्लाह की राह में खर्च करना है, तो मैं भी अल्लाह की रजा चाहता हूँ, मेरे पास जो माल दौलत है मैं भी इस तरह खर्च करना चाहता हूँ, मेरी मदद फरमाए। तो उस बुजुर्ग ने कहा जाओ जाके तुम खर्च कर दो। पहले रोज उसने 100 रुपए ले, जितने भी ले वो जाके दिए किसी को। उसने देखा कि एक आंखों से अंधा बंदा है और वो कर रहा है, उसको बहुत तरस आया और उसने उसको दे दिए। तो दूसरे दिन पता चला कि वो तो प्रटेंड था, वो तो जस्ट दिखावे का अंधा बना हुआ था, वो तो मंगता था, तो उसको बहुत अफसोस हुआ, कहता जी मेरे तो पैसे जाया हो गए। फिर दूसरे बार बुजुर्ग से आया, उसने कहा फिर जिसको तुम्हारा दिल करे ना तुम तो अपने जाके पैसे दे दो। उसने दूसरे दिन दिए, तो वो फाहशा औरत थी, जनाकार थी, वो पैसे लेके जो जिस्म बेचती है तो वो उसको दे बैठा। उसने कहा कि बेवा है, जरूरतमंद है, बूढ़ी है, चलो मैं इसकी मदद करता हूँ, तो उसने दिए, उसके पैसे जाया हो गए। जब तीसरा दिन आया फिर वो बुजुर्ग के पास आया कि मैं तो रोज अल्लाह की राह में देने की नीयत करता हूँ, मेरे तो पैसे जाया हो जाते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि कभी ना सोचना कि तुम्हारी नेकी जो दिल से आपने की है, नीयत अच्छी से की है, जया हो गई। पहली बार आपने अंधे को जो प्रटेंड अंधा बन के मांग रहा था दिए पैसे, उस पैसे से उसने जाके फ्रूट सब्जी की रेडी लगाई और अपना रिस्क हलाल कर लिया और मांगने से तोबा कर ली, तो इस तरह आपने बहुत बड़ी नेकी कमाई। दूसरी औरत जो आपने देखा था तो वो अपनी मजबूरी के तहत अपने आप को बेचने के लिए मजबूर थी,
उसका कोई सहारा नहीं था, कोई नहीं उसकी तरफ देखता था। तो उसने वो पैसे उस रात को गुनाह से उसको बचाई रखे। तो कभी ना सोचना कि आपने कोई नेकी की है उसका वो जाया हो गई। मदद करनी है, हर एक के साथ अच्छे से इंसान से पेश आना है, हर एक की मदद करनी है, अखलाक से रहना है। तो जो जज है, जजमेंटल जो काम है वो अल्लाह पर छोड़ देना है, अल्लाह कबूल करने वाला है। नीयत खालस होनी जरूरी है। आजकल क्या देखा गया है कि अच्छे के साथ तो सारे अच्छे होते हैं, खासकर अमीरों को बहुत तोहफे तहफ दिए जाते हैं और बेहतरीन दिए जाते हैं, और जो गरीब बेचारे होते हैं, जो मस्कीन होते हैं, उनको पुराने जो अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड चीजें या अनवांटेड रवैया उनके साथ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उनसे रिटर्न की उम्मीद नहीं होती कि वो हमारे साथ कौन सा इतना कुछ हमें वापस दे सकते हैं। नहीं, एक हमारी भाभी थी, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, मैं उनके लिए तोहफा लेके जाया करती थी। तो वो कहती है कि जो अमीर है ना उनको नहीं देते, जो जरूरतमंद है उनको दे, उनकी दुआओं से आपके बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो आप भी ये देख के करके देखें, अमीरों को ही ना देते रहें। अमीरों को अल्लाह ने दिया है, अल्लाह उनको भी देने की तौफीक दे। तोहफा देना सुनत है, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो दिया करें, लेकिन गरीबों के साथ भी तावन करें। आजकल ये जो कोविड का मसला चला हुआ ना दुनिया भर में, आप नहीं यकीन करें कि लोग भूखे मर रहे हैं, आपके पांव पे आके सर रख रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे पास आटा नहीं है खाने को। आप क्या करें, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह उनको दुनिया आखिरत में दे, उनके बच्चों के नसीब बेहतर करे जो इस काम में तामन करते हैं और किसी दर्दमंद का दर्द देख के चलते हैं, कहते हैं अल्लाह ने हमें दिया है चलो बांट के खाते हैं। उनको 20-25 किलो का आटे का बोरी मिल जाती है महीने बाद, और उनकी बेचारों की रोटी मिल जाती है। कभी वो चटनी के साथ खाते हैं, कभी वो नमक के साथ खाते हैं, कभी वो किसी तरह रोटी मिल रही है ना, अल्लाह ने सबब बनाया है ना। तो इस तरह आप भी नेकियां करें अल्लाह के वास्ते, ये जिंदगी बहुत थोड़ी है और इसको गनीमत जाने। एक टाइम आएगा कि आप पछताएंगे कि काश हमारे पास पैसा होता, काश हमारे पास टाइम होता, काश हम फजूल खर्च ना करते, तो अल्लाह तेरी राह में निशावर करते ताकि हम तेरी रजा हासिल कर लेते, तुझे को खुश कर लेते हैं, तो हमसे राजी हो जाता। ये टाइम आना है पछताने का जब हम कब्रों में होंगे। तो इसलिए अब टाइम है, जो भी है, जो फिजिकली कर सकता है फिजिकली करें, अपने इर्द गिर्द में देखें, अपने हमसाओं में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, जो कोई हकदार है उसको हक दे। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल है मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। अपनी दुआ में याद रखें, मैं आपके लिए हमेशा दुआ गो हूँ। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।